आरोग्य जागृति दिन ब दिन आज जो मेडिकल के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, इसमें पेशेंट की काफी हरेशमेंट हो रही है। ऐसे में हम आज एक पेशेंट के रिलेटिव से बात करेंगे जिनको मुस्कान हॉस्पिटल आगरा चौक में है, इन्हीं के बारे में थोड़ी कुछ पेशेंट के रिलेटिव तकरार है, उनसे जानेंगे उनको क्या क्या दिक्कतें आई है, उनका क्या क्या समस्या है। सारे कैसर खान साहब हैं जो उनको खुद मुस्कान हॉस्पिटल का अनुभव आया है, कोई पैथोलॉजी के बारे में उनको कुछ कहना है क्या, इनके साथ में क्या हुआ। सर आप बताइए आपके पेशेंट के बारे में। मेरी भांजी है सैयद शीजा, उसको वायरल हो गया था तो हमने हॉस्पिटल ले गए उसको मुस्कान हॉस्पिटल में। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ब्लड टेस्ट करो, तो ब्लड टेस्ट करे तो उसमें रिपोर्ट बहुत गलत रिपोर्ट बताया, और ब्लड टेस्ट करने के बाद उन्होंने एक घंटा बिठाया हमारे, जबकि उनके पास वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी, जनरल वार्ड में एक बेड अवेलेबल था। जनरल वार्ड की हालत तो इतनी ख़राब होगी कि घाटी अच्छा है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखते बोले कि बच्ची को कम से कम 15 दिन एडमिट करना पड़ेगा, अब वो जनरल वार्ड में तो एडमिट नहीं कर सकते, वार्ड की हालत इतनी पेशेंट को एडमिट करके और बीमार करने की बात है। बाद में फिर इन्होंने हमारे रिपोर्ट दी कि बच्ची का टाइफाइड बोर्ड बढ़ गया, 15 दिन कम से कम एडमिट रखना पड़ेगा। उन्होंने एडमिट करके हमको ये रिपोर्ट बताया जिसमें टाइफाइड बहुत बड़ा हुआ है। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर शुएब हाशमी HMG हॉस्पिटल ने हमारी बच्ची को वहाँ ले गए, तो शुएब साहब ने रिपोर्ट देखते हुए डाउट आया, शुएब साहब ने बोला उनसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हमने शुएब साहब के पास ये रिपोर्ट कराया, इसमें टाइफाइड बहुत नहीं के बराबर था। ये शुएब साहब की रिपोर्ट है, शुएब साहब ने एकदम रिपोर्ट हमारे बताया। उसके बाद हमने बोला 2 दिन में अलहमदिल्ला बच्ची रिकवर हो जाएगी, अलहमदिल्ला बच्ची रिकवर भी हुई, हमारे 2 दिन में घर के भी आ गया। मुस्कान हॉस्पिटल में ऐसा एकदम वो चल रहा, एकदम धोखे का काम चल रहा, रिपोर्ट गलत निकाले। उनकी वेट मशीन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वेट मशीन उनकी वेट मशीन में 6 किलो का प्रॉब्लम, हमारी बच्ची का वजन 26 किलो था, बाकी वेट मशीन में 20 किलो का था। क्योंकि हॉस्पिटल में खटमा लिखते है, जब पेशेंट के बेड के ऊपर भी खटमल, जब पेशेंट के रिलेटिव बैठे वहाँ खटमल, अपने आँखों से देखे खटमल। और तकरीबन हमारे लोगों से बात हुई वहाँ के लोग, 15 दिन से एडमिट है हमारा पेशेंट और कोई रिकवरी नहीं आया। जब हम टेस्ट करने गए वहाँ 3 लड़के ही बैठे थे, डॉक्टर मैडम तो जितने भी मेरे को रिपोर्ट आया हुआ थी मैडम ने, क्योंकि टेस्ट के बाद मैं बाहर ही बैठा, 1 घंटा में रुका है, बच्चों ने वही टेस्ट करे मैडम जी, मेरा ख्याल से ज्यादा ख्याल जा रहा मैडम सेंड करके सिल जाए। अच्छा, रिपोर्ट बच्चों ने बनाया। तो आपको क्या लगता है पैथोलॉजिस्ट ने चेक नहीं किया? नहीं। तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि अभी इसकी वजह से क्या तकलीफ हुई आपको? तकलीफ हमारे को रिपोर्ट देख के सबसे पहले तो हमको है पता कि हमारी बच्ची की हालत क्या हुई, हमको दूसरा रहा तो एडमिट भी कर दे रहा हूँ वहाँ। तो जैसा रिपोर्ट आया तो आपने डॉक्टर से बात किया? डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर ने बोला कौन से डॉक्टर? वही शेख भाई साहब, उन्होंने आपको बोले बच्ची को 15 दिन एडमिट रखना पड़ेगा, उसके बाद हम बोलेंगे डिस्चार्ज से आपका रिपोर्ट देती है, और बच्ची का वेट भी 6 किलो कम होगा। जैसे लैब का रिपोर्ट आपके पास आया, जैसे पेशेंट एडमिट किया था? नहीं, एडमिट नहीं करे ना, उनके पास जनरल वार्ड में एक बेड अवेलेबल है, वहाँ पे भी एडमिट करेंगे, वहाँ पेशेंट को एडमिट करके बीमार करने के बाद हमारी बच्ची को बीमार हो जाती है, जनरल वार्ड की हालत खराब है। अभी वहाँ पे एक वार्ड में कितने पेशेंट होंगे आपके हिसाब से? उनका जनरल वार्ड कम से कम 50 पेशेंट है, वो एकदम कंजेस्टेड है, बेड है और 2 फीट की जगह है फैसिलिटी। जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट के बारे में आपको डाउट आया इसलिए आपने चेक कर लिया, अगर नहीं करते तो आपको क्या लगता था? क्या नहीं करते तो एडमिट करते थे हमारे को, बाद में फिर आपको मालूम बिल का क्या है पोजिशन, उसका हॉस्पिटल तो मशहूर ही होगा बिल के लिए, बिल कैसा दे रहे क्या दे रहे पेशेंट को कितने दिन रख रहे। क्या ऐसा नहीं है सर कि आप ऐसा जैसा सामाजिक कार्यकर्ता हो तो ऐसा लोगों का तकरार भी आती है कि वो सामाजिक विषय उठा के, जब तो उनका घर का पेशेंट है तो आपने उनको बताया नहीं कि हम यहाँ के डिस्कस हुई डॉक्टर वही साहब से, उनको बात है हमारे हमारे रिलेशन बात है अच्छी, उनको सब अच्छे से पहचान थे हमारे को, फिर हमारे साथ इसी करे, हमारे साथ ऐसा कर तो गरीब उनके साथ क्या करे। सर अभी आप क्या, और सबसे ज़्यादा गरीब तब तक वही जाता अपना रहमानिया किरातपुरा वैजीपुरा ये लोग सब वही जाते। आपने बताया कि आपको नॉलेज है और कि आपने ये कर लिया, अगर गरीब लोग जाते हैं उनके मतलब उनपे भरोसा करके ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें क्या लगता है वो कहीं पर भी तफावत कर दी है? खुल्ला मैं हमारे साथ ऐसा करे तो गरीबों के साथ गरीब बेचारे वो क्या दो पैसे रोज कमाने रोज खाने वाले लोग रहते बेचारे कहाँ से नहीं देते पैसे, और उनकी रिपोर्ट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की फीस भी सबसे ज़्यादा महंगी,
क्योंकि सारी रेंज को डबल घुस ले रहा हूँ। जैसे सर हमने टकरा दिया है काफ़ी जगह पे, देखा हमने कि जैसे पुलिस में काफ़ी जगह टकरा दिया, अपने आरोग्य संचालक को भी दिया है और महानगर पालिका को दिया है, प्रशासक सबको दिया है जी, तो इनका क्या बोलना है, क्या आपको क्या वहाँ से क्या जवाब? प्रशासक साहब कल अवेलेबल नहीं थे, हमसे मुलाकात करके कब कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद आपको क्या क्या मतलब जवाब क्या मिला? पुलिस वाले तो हमारे पूरी रिपोर्ट उसका वेरीफाई करे उन्होंने, वो हॉस्पिटल जाके छिपे दिए। तो आप क्या करना चाह रहे थे, रिपोर्ट आपने ये दे दिया है, तकरार भी किया है, आपको क्या अपेक्षा क्या है, क्या वो हॉस्पिटल से पूछ लेना? हमारा बोलना ये है कि हॉस्पिटल वालों ने सीधा काम करना है, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा गरीब तबका जाता है, आप दुआ भी लो, पैसे भी कमाओ, ऐसा नहीं कि पैसे मत कमाओ, लेकिन कम से कम इतना भी गरीबों को मत उठाओ। जी सर, जैसे आपने बहुत काफ़ी देरी किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसके बारे में और काफ़ी आपकी चर्चा में रहे, पर इससे दवाखाने वालों को आपने बातें कुछ फोन भी ना आया नहीं, उसको कुछ कॉन्टेक्ट करो या उन्होंने कॉन्टेक्ट किया आपको? अरे लोग शायद नहीं मिला, आपने तो वो तो लोगों अपना भी लोगों को हम मिला है। मुझे सर आपने बताया कि जया बोल और जो नौसी मैडम जो है इनसे आपकी चर्चा हुई नहीं है? वो बात ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी। अच्छा, फोन पर चर्चा कर देंगे आपकी? अभी जैसे इस पर नंबर लिखा है तो किसके नंबर लग गया आपको? ये पता नहीं किसके नंबर, आपने चेक लगाओ, पुलिस वाले सब चेक करेंगे। अच्छा, नहीं अभी हमारे चैनल की तरफ से हमने एक नंबर लगाया तो ये अजहर नाम से बने का नाम हो रहा है, तो इसमें जो नाम के ऊपर नौसी मर्ज जो है बॉम्बे पैथोलॉजी जो है, लेकिन मिस्टर अजहर बोल के आ रहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? तो ये आप खुला देख लो, आपको समझ नहीं, मतलब मैडम नौसी मैडम लिखा हुआ है जी, वो कॉन्टेक्ट नंबर कोई अजहर बोल के जी आपने जो मालूम भाई जी जी अजहर ये कौन है वहाँ पर लैब में काम करते हैं? नहीं, मार्केटिंग मार्केटिंग वाले का नंबर क्यों है? आपको खुद आइडिया है कि हमारे नंबर देखा है, तो इसमें डॉक्टर को क्या बोला है? शेख साहब को पता है, शेख साहब का रिपोर्ट देखते हैं, बच्ची गाना देखते रिपोर्ट समझ लेते। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमको बोले कि अपना भी रिपोर्ट दिखाई, चार घंटे के फिर रिपोर्ट निकाले, सारी देर भी नहीं, चार घंटे के फिर रिपोर्ट निकाले, ये रिपोर्ट आपके सामने शो था मेरे को निकालने 1.40 आपकी दफा हो गई। तो अभी सर आप मुझे इतना बताइए, जैसा कि ऐसा हॉस्पिटल होता है तो इसमें डॉक्टर पे पेशेंट विश्वास करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, ऐसी वजह से तो पेशेंट विश्वास ही नहीं करेंगे, अपने लोगों को ज़्यादा हैबल कर लेते, बच्चा जब अपने बीमार पड़ा डॉक्टर जो बोला वो कर लेते, तो उसका एक गलत फायदा होता है। उससे अच्छा आप चार लोगों को चार हॉस्पिटल बताओ, उसके बाद में भी डिसीजन। दर्शकों को हम ये बताना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है और पेशेंट के साथ में किस तरह पैसे के लिए ऐसा इनका बोलना है, लेकिन कोई भी डॉक्टर हो, एमडी मेडिसिन हो, पेडियाट्रिशियन हो, इन्होंने बच्चों के साथ में बच्चों के माँ बाप का भी थोड़ा समझ देना चाहिए इन्हों क्या चाह रहे हैं, और जो ज़रूरत है वो करना ज़रूरी है, अगर वो नहीं करेंगे तो अपने को रिजल्ट नहीं दे पाएंगे वो, या ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ज़रूरत नहीं है उसके वजह से अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट होता है तो हो सकता है पेशेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। अभी हम पेशेंट के रिश्ते से हम बताना चाह रहे हैं कि अभी आपको क्या लगता है कि हमने डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए, डॉक्टर से क्या पूछना चाहिए, आप पूछिए। आप ये भाई दोनों रिपोर्ट बताओ ना, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो जब आपको लगा तो आप क्यों नहीं जाके मिले? नहीं, वो भरोसे उठ गया दवाखाने से, क्या लीगलाइज कार्रवाई करके आपको कर दो उसको। नहीं सर, अभी जैसे हॉस्पिटल कार्रवाई करने के बाद आपको कार्रवाई करना तो ये आपका हक होता है, लेकिन अगर आपने डॉक्टर से मिल लेते तो उनको भी समझ में आना चाहिए। नहीं, उनको तो सब समझ रहा, आपको पट्टी बची हुई होगी, पैसा नहीं कराऊंगा, खुली बात है पैसा नहीं कराऊंगा, उनको समझ रहा नहीं कि बच्ची की हालत देखो, पेशेंट की हालत देखिए, रिपोर्ट ऐसी कैसी आती है, डॉक्टर शोर साहब ने कोई बच्ची की हालत देखिए रिपोर्ट करने लगा डॉक्टर, बच्ची कंडीशन ही नहीं है रिपोर्ट के हिसाब से। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग हुई बस उन्होंने रिपोर्ट सही करना, बाकी जो है गरीबों को लूटना बंद कर देंगे, और ओपीडी उनकी पार्किंग के अंदर चलती है, उनकी ओपीडी आप चेक करो जाके, हॉस्पिटल की पार्किंग ओपीडी चलती है, पेशेंट के रिलेटिव के बैठने के लिए चेयर सही है उनके पास, पेशेंट के रिलेटिव भी चेयर वो रहते हैं मजबूरी रहते हैं। दर्शकों, हमने जैसे कि अभी पेशेंट के रिलेटिव की हमने बात सुनी है, इसी प्रकार हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, पैथोलॉजिस्ट से भी बात करेंगे, फिर हम इसके बारे में आपको पूरे डिटेल अध्ययन करेंगे।
हॉस्पिटल के अंदर जो है डबल, सबसे पहले हॉस्पिटल में डबल स्टेयरकेस होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में नहीं है। उसका फायर स्टेशन की सही सुविधा नहीं है। तीसरी बात, उनका ओपीडी पार्किंग के अंदर सर। चौथी बात, उनका हॉस्पिटल में साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। हड़माल निकाले हॉस्पिटल में, पेशेंट बीमार, पेशेंट के साथ वाले बीमार। हमको हॉस्पिटल बंद नहीं करना है, लेकिन हमारा सिर्फ मैसेज क्या है कि हॉस्पिटल सही तरीके से चलना, क्योंकि हॉस्पिटल में कई गरीब लोग भी पेट भर रहे और अपना गरीब तबका भी सबसे ज़्यादा वहीं जाता। हमारा मुद्दा हुआ कि हॉस्पिटल बंद हो जाना, लेकिन हॉस्पिटल सही तरीके से चलना और गरीबों को लुटना बंद करना है। प्रशासन से हमारी मांग ऐसी है, सबसे पहले हॉस्पिटल की सुविधा सही कर पाऊँ, उसके बाद जो गवर्नमेंट का रूल्स है, हॉस्पिटल के अंदर जो रूल्स रहता है गवर्नमेंट का दिया है, वो हिसाब से उन्होंने हॉस्पिटल चलाना और गरीबों को लुटना बंद कर रहे। आरोग्य जागृति।